नियोजन केमिकल्स है आज तक का सबसे बेस्ट स्टॉक हमने ढूंढ के लाया है, जो स्टॉक आने वाले समय में बम्पर रिटर्न दे सकता है। स्टॉक का नाम तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कंपनी के बारे में फंडामेंटल डिटेल्स आपको यहीं पे बता देता हूँ। आज का वीडियो मिनिमम 10 से 15 मिनट का बनेगा, तो आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आप भी इस डिटेल को जानेंगे तो आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा इस कंपनी के लिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कंपनी के बारे में पहले देख लेते हैं, कंपनी करती क्या क्या है। तो कंपनी करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रोमीन एंड लिथियम। ठीक है, मतलब कि ब्रोमाइन और लिथियम कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसके बेस पे? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, जिसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? फार्मास्यूटिकल में होता है, एग्रीकल्चर केमिकल्स में होता है, और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, मार्केट में सिर्फ अकेली ये कंपनी है जो ब्रोमाइन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, हर चीज़ को आप ध्यान से सुनना, ऐसा तो वीडियो रिपीट कर देना, पर ये वीडियो को अंत तक बने रहना। कंपनी की रेवेन्यू यही से नहीं, इंडिया के बाहर से भी आती है। ठीक है, डोमेस्टिक से आती है 52% और एक्सपोर्ट से आती है 48%, मतलब हम 50-50 मान सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, रेवेन्यू से कौन से सेक्टर से कितनी रेवेन्यू आ रही है? तो सबसे पहले ऑर्गेनिक सेक्टर से आ रही है 67% के आसपास, और इनऑर्गेनिक केमिकल्स आ रही है 33 के आसपास। मतलब कंपनी की हर एक प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी खासी बिक रही है। कंपनी एक्सपोर्ट जो करती है वो टोटल 29 कंट्रीज में करती है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें से मेनली कंपनी है अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना, कोरिया, मिडल ईस्ट। कंपनी ने हाल फिलहाल में ही कैपेक्स के लिए प्लानिंग किया है, जिसमें कंपनी की पहले स्पेशलिटी ऑर्गेनिक केमिकल की जो कैपेसिटी थी वो 60,000 लीटर के आसपास थी। कैपेक्स के बाद 3,100, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड करता हूँ, 3,100, 000, मतलब 50% अपनी कैपेसिटी स्पेशलिटी ऑर्गेनिक सेक्टर में वो बढ़ा रही है। ठीक है, उसके साथ साथ और भी चीज़ें नई जुड़ी है, ये बात हुई ऑर्गेनिक की। ठीक है, इसके अलावा कमीशनिंग में देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट, जो आने वाले समय में ये सेक्टर बूम करने वाला है, उसमें वो कैपेक्स ला रहे हैं 5,000 मेट्रिक टन। ठीक है, इसके साथ स्पेशलिटी इलेक्ट्रोड, उसकी कैपेसिटी आ रही है 1,000 मीटर मेट्रिक टन। ठीक है, ये सारी चीज़ 2024 एंड 2025 तक में कमीशनिंग हो जाएगी। इसके अलावा कंपनी बनाती है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट, जो बैटरी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें पता नहीं है। कंपनी के क्लाइंट की लिस्ट यहाँ पे देख लीजिए, आपने बहुत सारे नाम तो सुने होंगे। सबसे पहले है ऑस्ट्रिन, दूसरा है सन फार्मा इंडिया का, तीसरा है सोलवे, चौथा है डीवीस लैब, इसको भी आप जानते होंगे, वोल्टास एसी बनाने वाली कंपनी, पिरामल, पिरामल ग्रुप की पूरी बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा हाइकल, जो लास्ट 2 ईयर में इस शेयर ने काफ़ी अच्छा पहुँचा है, वो शेयर की बात है यहाँ पे। इसके अलावा किर्लोस्कर ग्रुप। कंपनी R&D में अपना 10%, ठीक है, 10% यूटिलाइज कर रही है, ये अच्छी चीज है। इसके अलावा सबसे बेस्ट न्यूज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे कंपनी ने MOU साइन किया है, और आप सभी को पता है MOU साइन होने के बाद कंपनी ऑलवेज बम्पर रिटर्न देती है, अगर इसने अच्छा खासे कंपनी के साथ MOU साइन किया होता है तो उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे कि जापान की कंपनी के साथ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जापान की कंपनी के साथ कंपनी ने MOU साइन किया है। वो कंपनी करती क्या है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसर है। ठीक है, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप इनके साथ हुई है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा, नियोजन केमिकल विल बी द फर्स्ट एवर द कंपनी इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑफ MOUS मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन इंडिया। मतलब इंडिया की सबसे पहली तो हुई, इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड की वो पहली कंपनी होगी जिसने जापान की इस कंपनी के साथ MOU किया है। इसके साथ साथ कंपनी ने लास्ट 3 ईयर्स में काफ़ी ज्वाइंट वेंचर किए हैं। सबसे पहला ज्वाइंट वेंचर कंपनी ने किया था धारा फाइंस केमिकल्स के साथ, जिसमें कंपनी 90% होल्डिंग करती है। ठीक है, इसके अलावा
दूसरी बातें हम करें तो स्टेज वाइज कंपनी ने जो एक्विजिशन किया है 2024 में, वो पूरी एक केमिकल कंपनी को एक्वायर कर रही है जिसका नाम है बूली केमिकल, ठीक है, जो फार्मा एग्रो दोनों सेक्टर की प्रोडक्ट बनाती है। इसके साथ साथ कंपनी ने लिथियम बैटरी के लिए अपनी सब्सिडरी है जिसमें उनका 100% होल्डिंग है। कितना 100%, मतलब कंपनी उन्हीं की है सब्सिडरी कम से, ठीक है, नियोजिन आयोनिक लिमिटेड। इसके साथ और कंपनी 2025 से लेके, ठीक है, 2025 से लेके 2027 एंड तक बैटरी के रिलेटेड जो केमिकल होते हैं उसके लिए 900 से लेकर, ठीक है, 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो सोचिए कंपनी आने वाले समय में कितना रिटर्न देगी। और ये जितनी मैं अमाउंट बता रहा हूँ उसका मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन से। कंपनी अभी 15% के आसपास से ऑपरेटिंग मार्जिन से काम कर रही है, ठीक है। तो मैंने ऊपर जैसे कि बताया कि 1200 करोड़ के आसपास 2025 से लेके 27 में उनका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अगर ये कैपेक्स कंप्लीट हो जाता है तो अगर हम 15 नहीं हम 10% सिर्फ गिनते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन उस टाइम पे, तो कंपनी का हर साल 120 करोड़ का रेवेन्यू एवरी ईयर आएगा। सॉरी रेवेन्यू नहीं, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट से, ठीक है। तो अभी जो 50 करोड़ की प्रॉफिट करने वाली कंपनी है उस टाइम पे कितनी हो जाएगी, 170 के आसपास। इसके अलावा उन्होंने जो 31,000 लीटर की जो कैपेसिटी बढ़ाई है अगर उसकी मार्जिन भी हम कैलकुलेट करें अभी के प्रॉफिट से, तभी अभी 50 करोड़ के आसपास कंपनी अर्निंग कर रही है। तो ये कैपेक्स के बाद कंपनी का प्रॉफिट में भी उतना ही मुनाफा होगा। मतलब पहले उनकी कैपेसिटी थी 39,000, ठीक है, और अभी हो गई 39+, तो कंपनी के प्रॉफिट में वो भी ऐड होगा 25 करोड़ के आसपास हम माने तो। तो यहाँ से 75+120 मतलब कंपनी करीब 200 करोड़ अर्निंग करेगी। मतलब अभी के हिसाब से कंपनी अभी करती है 50, ठीक है, और वो जाने वाली है 200 करोड़ के आसपास। तो यहाँ से कितना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, 4x टाइम, ठीक है। तो स्टॉक की प्राइस भी कितनी बढ़ेगी, अभी जो 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको वापस से, ये रहा, चलो राउंड फिगर 1800 इसको मान लेते हैं, तो इंटू 4x, ठीक है, तो 4x कितना होता है, 8000 के आसपास। तो ये कंपनी का स्टॉक आने वाले समय में 8000 की प्राइस दिखा सकता है। ये मैं सारी डिटेल सिर्फ फंडामेंटली डिटेल से आपको बता रहा हूँ। उसके साथ साथ एक और चीज़ अच्छी बताऊँगा, कंपनी की फेस वैल्यू 10 की है, कंपनी कभी भी अपना शेयर को स्प्लिट कर सकती है। इसके साथ साथ बोनस वो भी दे सकती है। कंपनी की बुक वैल्यू अब ध्यान से देखिए 194 के आसपास है, मतलब 10x टाइम पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पर पीयर्स की कंपैरिजन करेंगे तो अभी अच्छे खासे सस्ते पी पे वर्क कर रहा है। दूसरी बात कंपनी के डेप्थ के बारे में, 370 का डेप्थ है, 450 का रिजर्व फंड है। कंपनी चाहे तो डेप्थ तो कभी ना कभी क्लियर कर सकती है, पर कंपनी अभी करेगी नहीं क्योंकि कंपनी 2027 तक के कैपेक्स का प्लानिंग कर रही है। मतलब स्मॉल अमाउंट में वो अपनी डेप्थ कम करते जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो अभी ROC 13-10 के आसपास चल रही है। इन फ्यूचर मुझे लगता है 15 से लेके 20 के आसपास जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, इन्वेस्टर में आप देखिए प्रमोटर 60% के आसपास होल्डिंग है। ये जो 4% डायल्यूशन हुआ है उसका एक ही रीज़न है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। उसके साथ साथ FNI का इंटरेस्ट 4% के आसपास है, और सबसे इंटरेस्टिंग थी DI अभी भी 20% के आसपास होल्डिंग कर रहा है, और पब्लिक के पास है सिर्फ 50-60% के आसपास। क्वार्टर रिजल्ट की एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। कंपनी 15-20% ऑपरेटिंग मार्जिन से वर्क करती है, ठीक है। सेल्स में आप देखेंगे तो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट हुई है, सिर्फ लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा मायूस किया है, पर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप डेप भी देखिए, कंपनी कंटिन्यू डिक्रीज करती जा रही है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिखेगा, इंटरेस्ट कंटिन्यू पे करती जा रही है ज़्यादा, उसका सीधा इम्पेक्ट आपको बैलेंस शीट पर नज़र आएगा, ठीक है। ये देखिए रिजर्व कंटिन्यू बढ़ रहा है, जो लास्ट 2 ईयर्स में
कंपनी ने एक्सपेंशन के लिए डेप्थ लिए है, जिस कारण से अभी आपको बोरोविंग या डेप्थ दोनों बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, पर वो आने वाले 5 से लेकर 10 साल में वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। चलो ये सारी हुई फंडामेंटल्स बातें, ठीक है। अभी हम चार्ट पैटर्न पे चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से लेवल, कौन कौन से रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म के लिए आपको फेस करने रह सकते हैं, ठीक है। हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पैटर्न पे। कंपनी ने यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। चार्ट को छोटा करूँगा, ज़्यादा इजीली आपको पता चलेगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, ये चार्ट को मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कप है और ये उसका हैंडल, मतलब यहाँ पे अगर कंसोलिडेट होता है, मैं तो बोलता हूँ 1 महीने तक स्टॉक कंसोलिडेशन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर होता है तो ये कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहा है वो आप सोच नहीं सकते। वो इमीडिएटली स्टॉक यहाँ से ना 3500 के लेवल दिखा सकता है, अगर ये 1 मंथ के आसपास कंसोलिडेशन होता है। अगर कंसोलिडेशन नहीं होता तो कंपनी के लिए स्टॉक की सपोर्ट की रेंज बता देते हैं 1500 की, 1500 से लेके 1560 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। अपसाइड के लिए टारगेट सबसे पहले रहेंगे 2500 के आसपास, 2500-2800 के अपसाइड के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए। अगर स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आती है, मतलब कि ऐसा समझिए मार्केट क्रैश होता है किसी वजह से, और स्टॉक गलती से आपको 1000 के आसपास या फिर 1200 से लेके 1450 की रेंज में मिलता है, मतलब यहाँ कहाँ, तो मैं तो बोलूँगा मोस्ट बी बाई कीजिए। वैसे आने की गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आ रही है, पर आता है तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। देखिए कंपनी इस स्टॉक ने, 1 मिनट, चार्ट को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ यहाँ पे देखिए, ये उसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। ये वो आपको मैंने बताया 1900 के आसपास का है। जैसे ही इस लेवल के ऊपर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करेगा, नॉन स्टॉप रैली 2500 से लेके 2800 तक रहेगी, उसके ऊपर 3500 के लेवल है। और अगर आप 10 साल के लिए या फिर 2029, ज़्यादा नहीं 2029, अगर आप होल्ड करते हैं तो स्टॉक यहाँ से 8000 के लेवल दिखा सकता है, पर होल्ड करने की कैपेसिटी सबके पास होती नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने आगे भी फ्यूचर मल्टीबैगर शेयर में लिस्ट में रखा हुआ है सारे स्टॉक, उसमें ये वीडियो भी मैं रखूँगा। आप लोग को लगे मेरा व्यू सही है, फंडामेंटल कंपनी की अच्छी है, तो आप भी कंपनी के शेयर को बाई कर सकते हैं, आने वाले समय में ये स्टॉक रिटर्न दे सकता है। चलो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ क्वेरी हो जरूर से कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो फुल एनालिसिस के साथ हम पोस्ट करते रहेंगे। हाँ ये भी चीज़ ठीक है कि हम एवरीडे वीडियो पोस्ट नहीं करते, ज़्यादा 100 हफ्ते हैं, पर हर रोज़ वीडियो पोस्ट करके मतलब क्या है आप ही बताइए। अगर किसी स्टॉक को मैं एक ही स्टॉक को मैं बार बार रिकमेंड करता रहूँगा, एक ही वीडियो शेयर पे कंटिन्यू वीडियो पोस्ट करता रहूँगा, तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है जब भी कोई शेयर अच्छा हमें फाइंड करके मिलेगा तब हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए होल्ड कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।